हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नोजीएफ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रियलमी के मोबाइल में दोस्तों नेविगेशन सेटिंग को कैसे आप इनेबल कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आप तीन बटन देख रहे हैं। ये तीन बटन दोस्तों ये वर्चुअल बटन है। अगर आप नेविगेशन सेटिंग को इनेबल करेंगे तो ये तीनों बटन आपका हट जाएगा। तो अगर आपके फ़ोन में ये तीन बटन है और आप इसको हटाना चाहते हैं, नया सेटिंग करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो में कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपके फ़ोन में ये तीनों बटन नहीं मिल रहा है, वापस से इसको लाना चाहते हैं, तो वो भी आप वापस से ला सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, बात यह है कि अभी जो भी फ़ोन लॉन्च हो रहा है, वन प्लस फ़ोन या फिर आईफोन हो या फिर दोस्तों ओप्पो का हो या फिर पोको का कोई भी फ़ोन हो, दोस्तों जो भी नया लेटेस्ट फ़ोन अभी लॉन्च हो रहा है उसमें ये तीनों बटन दोस्तों अभी नहीं है। उसमें जो सेटिंग है वो गेस्चर सेटिंग दिया हुआ है। इसी में एक नेविगेशन सेटिंग आता है, उसमें गेस्चर सेटिंग आता है जो कि साइड से स्लाइड करने के बाद वो बैक होता है। तो वो सेटिंग दोस्तों आप अगर रियलमी के फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और ये जो सेटिंग है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और आप लोगों को लग रहा होगा कि वो नया सेटिंग है, लेकिन नहीं दोस्तों, वो नया सेटिंग नहीं है। वो भी दोस्तों सेटिंग आपके फोन में है लेकिन आपको पता नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो नया वाला सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं जो कि अभी सभी लेटेस्ट फोन में है। दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पर आपको तीन बटन दिख जाएगा, एक मैक्सिमाइज का है, एक मिनिमाइज का है और यहाँ पे एक बैक बटन है। लेकिन दोस्तों जब आप नेविगेशन सेटिंग को इनेबल करोगे तो ये तीनों बटन आपको नहीं दिखाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको ये सेटिंग दिखाता हूँ इनेबल करके और कैसे वो सेटिंग काम करता है। तो अभी दोस्तों देखिए, ये तीनों बटन आपको नहीं दिख रहा है, तो अब हम कैसे दोस्तों बैक करें। तो अभी दोस्तों यहाँ पर जो फंक्शन है बैक करने का, बस आपको अगर आप दायां साइड से फ़ोन पकड़े हैं तो यहाँ पर से अंगूठा को ऐसे करके बैक कर देना है। यहाँ पर जब आप स्लाइड करेंगे अपने थंब को तो यहाँ पर ये बैक हो जाएगा, ठीक है। चाहे कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने खोल रखा है, ठीक है, तो वो वहाँ पर आसानी से बैक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर गूगल क्रोम खोल लेता हूँ, ठीक है। और आप अगर यहाँ से आपको बैक करना है तो बैक आप कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए ऐप ऐसे स्लाइड करेंगे दोस्तों। स्लाइड करने के बाद ये दोस्तों आपका बैक हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर से बैक हो रहा है, ये बैक बटन दोस्तों, ये जो अभी जितना भी लेटेस्ट फ़ोन है सभी में ये आ रहा है दोस्तों। अगर आप बायां साइड से फ़ोन पकड़े हैं तो बायां साइड से भी आप स्लाइड करेंगे, ये आपका बैक हो जाएगा। और अगर दोस्तों आपको यहाँ पर मैक्सिमाइज में जाना है तो बस यहाँ से दोस्तों आसानी से यहाँ पे ऐसे उठा देना है और आपका जो भी मैक्सिमाइज में बैकग्राउंड में वीडियो यूज़ हो रहा है, फोटो यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है, वो आपको सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा। और वापस से आप अगर चाहते हो तो यहाँ से ऐसे बैक करके इसको हटा सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये सेटिंग दोस्तों, और इसी को नेविगेशन गेस्चर सेटिंग बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, और आप अगर इस सेटिंग को इनेबल करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों इसको इनेबल तो कर लेते हैं लेकिन डिसेबल नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको डिसेबल करना है। तो गाइज, अगर आप अपने फ़ोन में ये नेविगेशन सेटिंग को इनेबल कर लिया है तो अगर आप उसको डिसेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल के सेटिंग में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको सेटिंग दिख रहा होगा, सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आना है दोस्तों आपको, और नीचे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक सेटिंग दिख रहा होगा कॉन्वेंस टूल्स का, देख पा रहे हैं दोस्तों। तो कॉन्वेंस टूल्स पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और सबसे ऊपर में दोस्तों देखिए आपको एक नेविगेशन सेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको नेविगेशन सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। इस पे दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ देखिए दोस्तों वर्चुअल बटन लिखा हुआ है और यहाँ पे स्वीप गेस्चर फ्रॉम बोथ साइड। तो अभी आप गेस्चर वाले सेटिंग पे हो। अगर आपको वापस से फिर से यहाँ पे तीन बटन लाना है दोस्तों तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वर्चुअल बटन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ दोस्तों देखिए आपका तीनों बटन दिख जाएगा, ठीक है। और आप अगर आप चाहते हो कि इस तीनों बटन को हटाना है, वापस से वो सेटिंग लाना है, तो बस आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है जैसे मैंने अभी आपको बताया है। और दोस्तों यहाँ पर कॉन्वेंस टूल पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे नेविगेशन सेटिंग पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे दोस्तों देखिए आप गेस्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इस पे दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो तीन बटन है वो यहाँ पर हट जाएगा दोस्तों, और आप इस फीचर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये फीचर अभी जितने भी लेटेस्ट फ़ोन है सभी में दिया जा रहा है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये फीचर और ये ऑप्शन, और काफ़ी ईजी भी है दोस्तों यूज़ करना इस फीचर को, ठीक है। तो गाइज़, ये था आज का छोटा सा वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।
जय हिंद।